बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू पीपल आर फाइन। हमने पास्ट कंटिन्यूस टेंस करना है आज। पास्ट कंटिन्यूस टेंस में एक्टिव पैसिव कैसे बनाते हैं वो आज हम देखेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, एक्टिव और पैसिव बनाने का तरीका सीखा था पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। और आज हम क्या करेंगे, पास्ट कंटिन्यूस टेंस में एक्टिव पैसिव बनाने का तरीका सीखेंगे, एक्टिव पैसिव वाइज इन पास्ट कंटिन्यूस टेंस। ये है हमारा आज का टॉपिक, ठीक है। तो आज हमने क्या करना है, हमने देखना है पास्ट कंटिन्यूस टेंस में एक्टिव और पैसिव कैसे बनते हैं। एक्टिव का स्ट्रक्चर भी देखेंगे, पैसिव का स्ट्रक्चर भी देखेंगे। हमें पता है कि हमने एक्टिव के अंदर क्या होता है, हमारे पास जब हमने टेंसेस पढ़े थे तो हमारे पास क्या यूज़ हो रहा था वहाँ पर। हमारे पास एक्टिव वॉइस में जब हमने टेंसेस देखे थे तो वहाँ पर हमने जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ किए थे वो कौन कौन से थे, वॉज और वर। ये हमने पास कंटिन्यूज में हमने देखे थे। तो वाज वर से हम कहाँ जा रहे हैं अभी, जब हम पैसिव बनाएंगे तो हमारे पास कौन से आ जाएंगे जी हेल्पिंग वर्ब, वो हमारे पास वाज और वर के साथ एक चीज़ लग जाएगी जो कि है बीन। वाज बीन और वर बीन, ये दो चीज़ें यूज़ होंगी। तो अब हमें पता है यहाँ पे हम किस तरह से होता है, हमारे पास कंटिन्यूज टेंस की निशानी क्या थी, जैसे जा रहा था, जा रही थी, या जा रहे थे, रहे थे, थी, थी, ठीक है, इस तरह से रहे थे, था, थी, थे, ओके। तो ये है हमारे पास इसकी निशानी पास्ट कंटिन्यूस टेंस की। और एक्टिव पैसिव को सीख रहे हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर, तो हम क्या करेंगे कि एक्टिव और पैसिव वाइज में हमने इसका स्ट्रक्चर देख लेना है। सबसे पहले बनाते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस बनाऊंगी मैं अभी यहाँ पर। अफर्मेटिव सेंटेंस कौन से टेंस होते हैं, पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं जिसमें नॉट का यूज़ नहीं होता। अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाने का तरीका हम यहाँ पे देखते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस जो है हमारे पास, इसका एक्टिव वॉइस देखते हैं। एक्टिव वॉइस सबसे पहले देखेंगे, हमें पता है कि सेंटेंस के स्टार्ट में क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास एक्टिव के केस में क्या है जी, वाज और वर। ये वाज और ये वर, ये दोनों हमने हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर लिए। इसके बाद हमें पास कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस है तो हमारे पास मेन वर्ब की फॉर्म लग रही है फर्स्ट प्लस आईएनजी, ये कंटिन्यूटी को शो कर रहा है ना, इसको जिसको मैं फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहती होती हूँ, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। तो ये फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ हो रही है। और उसके बाद हमारे पास एंड पे क्या आ जाएगा जी, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ये हमारे पास सिंपल किस चीज़ का स्ट्रक्चर है, एक्टिव वॉइस का। अब एक्टिव से जब हम पैसिव में जाएंगे तो आप लोगों को पता है कि पैसिव के केस में हमारे पास क्या क्या निशानियाँ थी। पैसिव में जब जाते हैं ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह ले लेता है तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इस केस में पैसिव बनाने के लिए हमारे पास क्या है जी, वॉज एंड वर प्लस बीन, इन दोनों के साथ बीन का एडिशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है जी, हेल्पिंग वर्ब है इन केस ऑफ पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस के केस में ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है तो हमारे पास कंटिन्यूस है, तो कंटिन्यूस में हमारे पास क्या आएगा जी, बीइंग आएगा, वाज बीइंग और वर बीइंग, बीइंग का एडिशन हो रहा है यहाँ पे हमारे पास, बीइंग या बीइंग, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं कंटिन्यूस के केस में, बीइंग, वाज यहाँ पे हमारे पास बीइंग यूज़ होगा, बीइंग, 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 क्योंकि हमारे पास जो पास्ट परफेक्ट टेंस है उसमें बीइंग लगेगा, इसमें बीइंग लगेगा, बी ई आई एन जी, बीइंग। ये हमारे पास हो गया यहाँ तक हेल्पिंग वर्ब के केस तक। अब हमने हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने बीइंग लगा लिया, अब हमें पता है कि मेन वर्ब की यहाँ पे कौन सी फॉर्म आएगी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, फिर यूज़ ऑफ बाय आ गया, और यहाँ पे एंड पे ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट की जगह ले ली सब्जेक्ट ने। तो ये हमारे पास पॉजिटिव सेंटेंस के केस में हमारे पास ये है सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो इसकी भी एक एग्जांपल कर लेते हैं हम यहाँ पे। तो मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ पे लिखती हूँ, मिस्टर अली वाज टीचिंग इंग्लिश, मिस्टर अली वाज टीचिंग इंग्लिश, ये हमारे पास क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। मिस्टर अली जो हैं, मिस्टर अली सब्जेक्ट है, वाज हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, टीचिंग ये हमारे पास जो है फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब आ गया, और इंग्लिश हमारे पास ऑब्जेक्ट है। इसको मैंने, ये एक्टिव वॉइस है, इसको मैंने बनाना है जी पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस बनाना है। मैं इसको क्या करूँगी, इंग्लिश को जो है हमारे पास सब्जेक्ट, उसको स्टार्ट में ले आऊँगी सब्जेक्ट की जगह। तो यहाँ पर मैंने लिख लेती हूँ, इंग्लिश
अच्छा, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, तो हेल्पिंग वर्ब वाज आएगा, इंग्लिश वाज बीइंग, इंग्लिश वाज बीइंग। अच्छा जी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो टीचिंग टीच की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, टॉट, इंग्लिश वाज टॉट बाय, बाय का यूज़ आ जाएगा, बाय मिस्टर अली। तो ये होगी हमारे पास अफर्मेटिव सेंटेंस की एग्जांपल। तो बहुत सिंपल है, हमने यहाँ पे बीइंग बीइंग यहाँ पे यूज़ होगा, एक्टिव से जब पैसिव में जाएंगे बीइंग का एडिशन आ जाएगा, बाकी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय का यूज़, और वो बाकी सारी कंडीशंस पैसिव के केस में वही है हमारे पास। मिस्टर अली वॉज टीचिंग इंग्लिश, इंग्लिश वॉज बींग टॉट बाय मिस्टर अली। ये था हमारे पास अफर्मेटिव सेंटेंस। अब बनाते हैं हम इसका नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस में क्या हो जाएगा हमारे पास, एक चीज़ आ जाएगी यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस में, नेगेटिव नॉट का यूज़ आ जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस यहाँ पे नॉट का यूज़ आ जाएगा, नॉट। तो सब्जेक्ट एज इट इज़ रहा, वाज और वर एज इट इज़ रहा हमारे पास। अच्छा, वाज और वर के बाद हमारे पास बिल्कुल बाद यहाँ पे नॉट का यूज़ आ जाएगा, नॉट का यूज़ कर लिया हमने, और यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ऑब्जेक्ट आएगा एज इट इज़, और ऑब्जेक्ट के बाद फिर हमारे पास क्या होगा जी, यहाँ पे वाज वर और नॉट और फिर बीइंग, ठीक है। तो नॉट, इन दोनों के बीच में नॉट का यूज़ आ जाएगा। मिस्टर अली वाज नॉट टीचिंग इंग्लिश, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारे पास इसका, मिस्टर अली, अच्छा, इंग्लिश वाज नॉट बीइंग टॉट बाय मिस्टर अली। ये थी हमारे पास किसकी एग्जांपल, नेगेटिव सेंटेंस की एग्जांपल। तो इसी तरह से और एग्जांपल्स आप लोग करना चाहो तो कर सकते हो। तो ये मैंने आपको सिंपल इसी एग्जांपल से रिलेट करके बताई है ताकि इजी लगे आपको। मिस्टर अली वाज नॉट टीचिंग इंग्लिश, टीचिंग मिस्टर अली वाज नॉट टीचिंग इंग्लिश, और इंग्लिश सब्जेक्ट है हमारे पास, ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट की जगह ले लेगा, तो इंग्लिश यहाँ आ जाएगा, इंग्लिश वाज नॉट बीइंग टॉट बाय मिस्टर अली। ओके, इस तरह से और एग्जांपल्स भी आप लोग कर सकते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस करो, फिर उसके बाद उसका नेगेटिव सेंटेंस बना लो, एक्टिव और पैसिव में इस तरह से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब हम करते हैं जी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे होंगे, इंटरोगेटिव सेंटेंस में अभी हमारे पास यहाँ एक्टिव के केस में क्या है जी, वाज और वर है। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम एक्टिव का केस देख लेते हैं, एक्टिव वॉइस बनाते वक्त। एक्टिव वॉइस केस में हम क्या करेंगे जी, यहाँ पे हमने क्या कर लेना है, वाज और वर को स्टार्ट में ले आएंगे, वाज एंड वर ये दोनों स्टार्ट में आ जाएंगे। इसके बाद हमने क्या करना है, इसका एक्टिव इंटरोगेटिव का हमारे पास जो है सेंटेंस स्ट्रक्चर वो हम इसमें देख रहे हैं। फिर हमारे पास आ जाएगा जी सब्जेक्ट, वाज और वर आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा। उसके बाद आएगा जी यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे बीइंग नहीं लग रहा, ये बीइंग लगेगा पैसिव में, सब्जेक्ट आ गया। उसके बाद आ जाएगी यहाँ पे मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी, फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट, ये हमारे पास एंड पे क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारे पास किस चीज़ का स्ट्रक्चर है एक्टिव वॉइस का इन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। पैसिव वॉइस बनाने जा रहे हैं, पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, ये क्या है जी हमारे पास, वाज और वर है, तो वाज वर एज इट इज़ आ जाएगा हमारे पास स्टार्ट में, वाज और वर आ गया, प्लस इसके साथ ऑब्जेक्ट हमें हमारे पास सब्जेक्ट की जगह ले लेगा, फिर हमारे पास यहाँ पे बीइंग का एडिशन हो जाएगा। बीइंग का एडिशन क्यों हुआ है जी, क्योंकि हम यहाँ पे फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब कर रहे हैं, बीइंग का एडिशन आ गया। फिर हमारे पास आ गई मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, बिकॉज वी आर इन पैसिव वॉइस, एंड इसके बाद हमारे पास बाय का यूज़ आ गया, प्लस हमारे पास यहाँ पे सब्जेक्ट एंड पे आ गया, और एंड पे क्वेश्चन मार्क। ये हमारे पास क्या है जी, पैसिव वॉइस बनाने का तरीका इन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस इन पास्ट कंटिन्यूस टेंस। अब इसकी कर लेते हैं एक एग्जांपल ताकि हमें अच्छे से समझ आ जाए। तो मैं एग्जांपल में क्या करती हूँ, वाज वर स्टार्ट में आएगा, तो मैं एग्जांपल में भी वर को स्टार्ट में ले आती हूँ। वर यू कुकिंग द फूड, वर यू कुकिंग द फूड। तो देखिए यहाँ से मैंने एक्टिव को देखते हुए मैंने ये एग्जांपल बनाई है, वाज को वर को मैंने ले आई हूँ क्योंकि यू के साथ वर आता है। फिर मेरे पास आता है सब्जेक्ट, यू आ गया सब्जेक्ट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जिसको फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं। फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है, कुकिंग, द फूड जो है हमारे पास ऑब्जेक्ट है। तो इसको मैं बनाऊंगी पैसिव वॉइस, तो मैं द फूड को स्टार्ट में ले आऊंगी, द फूड को स्टार्ट में ले आऊंगी। पैसिव वॉइस में वाज और वर स्टार्ट में आ जाते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा जी, वाज द, ये एक्टिव था, अब जा रहे हैं हम पैसिव में।
वॉज द फूड अच्छा फिर बींग आ रहा है वॉज द फूड बींग अच्छा यहाँ मेन वर्क की थर्ड फॉर्म है तो कुक्ड वॉज द फूड बींग कुक्ड बाय यू एंड पे क्वेश्चन मार्क ठीक है। तो अभी हमने ये किया जी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, अब डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस आई होप आप लोग खुद बना लोगे, बहुत इजी है। यहाँ पे अगर आप लोग करते हो इसको डबल इंटरोगेटिव कर देते हो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा जी, डब्ल्यू एच फैमिली का एडिशन आ जाएगा, यहाँ पे डब्ल्यू एच फैमिली आ जाएगी, जो डब्ल्यू एच से स्टार्ट होते हैं जितने भी वर्ड्स जो के क्वेश्चन मार्क एंड पे लगता है, डब्ल्यू एच व्हेन व्हाई वेयर एंड होम और विच, इस तरह से जितने भी सेंटेंस हैं इसको जो हमारा है इंटरोगेटिव, इसको मैं डबल इंटरोगेटिव जब बनाना चाहती हूँ तो मैं क्या करूँगी, वाई स्टार्ट में ले आती हूँ यहाँ पे, तो वाई वर यू कुकिंग द फूड ठीक है, तो वाई भी आ गया वर भी आ गया इसलिए हम इसको डबल इंटरोगेटिव कह रहे हैं, डब्ल्यू एच फैमिली भी आ गई साथ ये हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ गया इसलिए हमारे पास क्या है डबल इंटरोगेटिव बन गया। Why were you cooking the food? तो यहाँ पे आ जाएगा डब्ल्यू एच फैमिली वैसे ही स्टार्ट में आ जाएगी, तो why was the food being cooked by you? Okay, very simple. तो अभी आप लोगों ने क्या करना है जी, बहुत सारी examples ले लेनी है, उनकी practice करनी है अच्छे से, past continuous tense किया, इसी तरह दो तीन example और आप लोगों को बता देती हूँ, जैसे she was watering the plants, ये sentence हम तकरीबन सारे टेंसेज में किया हमने, तो शी यहाँ पे हमने क्या कर लिया कि अफर्मेटिव सेंटेंस के केस में हम सब्जेक्ट को पहले लाते हैं उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाता है, शी वाज वाटरिंग द प्लांट, और हमें पता है फोर्थ फॉर्म वर्ब लगती है तो शी वाज वाटरिंग द प्लांट्स, तो इसको जब मैं बनाऊँगी इसका पैसिव तो द प्लांट स्टार्ट में आ जाएगा, वाज की जगह वर लग जाएगा, शी वाज द प्लांट्स वाज द प्लांट्स वर बींग वाटर्ड बाय हर ठीक है। तो इसी तरह से एक और एग्जांपल कर लेते हैं, जैसे शानी वाज ईटिंग द फॉरबिडन फ्रूट, तो जो है हमारे पास द फॉरबिडन फ्रूट वाज बींग ईटन बाय शानी ठीक है। तो ये हमारे पास हो गए पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस में एक्टिव और पैसिव वॉइस, तो आप जितनी ज़्यादा एग्जांपल करेंगे उतना अच्छा आपको एक्टिव पैसिव वॉइस आएगा, जितने सबसे पहले तो आपने टेंसेस को अच्छे से समझना है ना, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी वहाँ से आप लोग टेंसेस समझ लेना, और वहाँ से जो आप लोग टेंसेस देख लोगे ना एक बार आपको टेंसेस समझ आ गए एक्टिव पैसिव वॉइस आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगे, फिर आप लोग आओगे एक्टिव पैसिव वॉइस पर ठीक है। एक्टिव पैसिव वॉइस करोगे तो आपने सेंटेंस स्ट्रक्चर को देखते हुए इस तरह से आपने एक्टिव और पैसिव वॉइस को देखते हुए आपने डिफरेंट एग्जांपल्स करते जाना है। आई होप आपका आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस, क्योंकि ये पास्ट कंटिन्यूस है इसके बाद पास्ट परफेक्ट आता है, तो नेक्स्ट लेक्चर में पास्ट परफेक्ट टेंस को कर लेंगे, और अगर आपको चीज़ें ईजी लग रही हैं अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा, मेरा चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ये था आज का लेक्चर, जज़ाकअल्लाह।